बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करेंगे आज की पांच बड़ी खबरों के साथ, जिसमें आइए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं असम के बारे में। यहाँ पर 28 अप्रैल को भारी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है और अब बारी आती है ओडिशा की। यहाँ पर अगले 5 दिन भयंकर लू चलने की संभावना है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर अगले 5 दिन भयंकर लू जो है वो चल सकती है, यानी कि गर्म हवाएं चलने के अनुमान है। केरल में अगले 4 दिन गर्म और उमस भरा दिन रह सकता है। और अब राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर 26 अप्रैल को कहीं कहीं बरस सकते हैं बादल। ये थी पांच बड़ी खबरें। अब आइए बात कर लेते हैं गर्मी अपडेट की, यानी कि हमारे देश के ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर जो है गर्म हवाएं चल सकती हैं, जहाँ पर लू जो है वो चल सकती है। मौसम विभाग ने कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नज़र बनाए रखने के लिए जो है वो चेतावनी जारी की है, जिसके अंदर जो आइए सबसे पहले शामिल है, अगर हम बात करें उपमाल्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार की, तो यहाँ पर सावधानी बरतें क्योंकि यहाँ पर जो है हवाएं भी चल सकती हैं। उपमाले पश्चिम बंगाल में बरसात होने की भी संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल में लू चल सकती है। ओडिशा में भी गर्म हवाएं जो है वो चल सकती हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो है लगभग सभी इलाकों में जो है बरसात होने की भी संभावना है और यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पश्चिम भारत की अगर बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में जहाँ एक और बरसात होगी तो वहाँ पर बिजली भी चमक सकती है। कोंकण और गोवा के अंदर जो है वहाँ पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं या कहीं लू चल सकती है। अगर बात करें हम यहाँ पर मध्य भारत की तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बरसात के साथ साथ जो है वो तेज़ हवाएं चलने का अंदेशा है। हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको जानकारी देते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। इसमें जो है वो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उपमाले, माफ़ कीजिए, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर से, तो यहाँ पर जो है अनेक जगह बरसात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में फिलहाल के लिए मौसम जो है वो साफ रहेगा, गर्मी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो है वो दिन का समय जो है वो गर्म रह सकता है, यानी कि गर्मी का मौसम यहाँ पर अभी भी बरकरार रहेगा। अब बात कर लेते हैं उपमाले, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की। पूर्वी भारत में तो यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो बरसात हो सकती है। जो शेष राज्य है यानी कि बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, यहाँ पर फिलहाल जो है वो बरसात नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है वर्षा हो सकती है और लगभग जितने भी इलाके हैं वहाँ पर वर्षा होने की संभावना लगातार जो है वो बनी हुई है। अब यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी का, तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। केरल में भी कुछ एक इलाकों के अंदर जो है वो बादल बरस सकते हैं। ये तमाम जानकारियाँ मौसम विभाग द्वारा जो है वो मिली हैं और ये इनके साथ हम आपके साथ जो है वो इनको साझा कर रहे हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पश्चिम भारत की। तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के अंदर जो है वो बरसात हो सकती है। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल जो है वो बरस सकते हैं। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी वर्षा होने की संभावना है। तो ये हमने आपको जानकारी दी है मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही है मौसम की स्थिति, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर जो है वो बरसात हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा के अंदर भी जो है कहीं कहीं बरसात देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में जो मौसम है वो साफ रहा। हरियाणा के अंदर वर्षा हुई है और इसके साथ ही अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पूर्वी भारत के बारे में। तो उपमाल्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा में जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। तो वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी इलाकों के अंदर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तमाम इलाकों में जो है वो वर्षा देखने को मिली। दक्षिण भारत का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में वर्षा हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। तेलंगाना में बादल बरसे। दक्षिणी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं और उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं,
यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर केरल में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली है। पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। और मध्य भारत की अगर बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई, यहाँ पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम का यही हाल रहा, विदर्भ में भी जो है वो बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। जैसे कि हम सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है और इससे क्या क्या नुकसान आज के समय में हो रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में बहुत से बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का जितना असर हमारे मनुष्य शरीर पर पड़ता है और उतना ही ज़्यादा बुरा असर उसका हमारी फसलों पर भी, उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही पशुओं के शरीर पर भी जलवायु परिवर्तन का काफ़ी बेहद प्रकोप जो है वो देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन को और किस तरीके से समझा जा सकता है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस साल की शुरुआत से ही जलवायु परिवर्तन के रिकॉर्ड बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आंकड़ों की माने तो जनवरी 2024 अब तक का सबसे गर्म जनवरी रहा, जब बढ़ता तापमान एक नए स्तर पर पहुंच गया। जनवरी 2024 में तापमान सन 1850 से 1900 से पहले की तुलना में 1.66 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, जो इसे अब तक की सबसे गर्म जनवरी बनाता है। 12 महीनों के दौरान वैश्विक तापमान में होती वृद्धि ने 1.5 डिग्री सेल्सियस की अधिकतम बढ़ोतरी सीमा को पार कर लिया है। गौरतलब है कि पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान में होती वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए दुनिया के सभी देशों ने प्रतिबद्धता जताई थी। वैज्ञानिक भी इसको लेकर चेता चुके हैं कि अगर वैश्विक तापमान में होती वृद्धि इस सीमा को पार करती है तो मानवता को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं अगर यूरोप को देखें तो जनवरी 2024 में तापमान में काफी विषमता देखी गई। जहां नॉर्डिक देशों में तापमान औसत से बहुत ज्यादा ठंडा था, वहीं यूरोप के दक्षिणी हिस्सों में तापमान बहुत अधिक रहा। इस दौरान दुनिया के दूसरे हिस्सों को देखें तो जहां पूर्वी कनाडा, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, मध्य पूर्व और मध्य एशिया में तापमान सामान्य से काफी अधिक था, वहीं पश्चिमी कनाडा, मध्य अमेरिका और पूर्वी साइबेरिया के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहा। इसका सबसे बड़ा कारण अलनीनो का कमजोर पड़ना है, लेकिन इसके बावजूद कुल मिलाकर समुद्री तापमान असाधारण रूप से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि हमारी धरती ही नहीं समुद्र भी बड़ी तेजी से गर्म हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 2023 भी जलवायु इतिहास का सबसे गर्म साल रहा था। वहीं पिछले जून से कोई भी महीना ऐसा नहीं रहा जब बढ़ते तापमान ने रिकॉर्ड न बनाया हो। जलवायु वैज्ञानिकों ने इस बढ़ते तापमान के लिए बेतहाशा जलाए जा रहे जीवाश्म ईंधन को जिम्मेदार माना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के तापमान में संतुलन बनाए रखने के लिए समुद्र के तापमान में संतुलन जरूरी है। अगर ऐसा ना किया गया तो तापमान के नए रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। तो अभी आपने देखी ये विशेष रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर, और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, बताएंगे आपको तापमान का हाल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो आपको जानकारी देने वाले हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी देखने को मिली, सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान जो है वो देखने को मिला है। अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज़्यादा दर्ज की गई और बिहार में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड और मणिपुर की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया और मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतम तापमान की लगभग ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली है। इसके साथ ही अभी हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं मध्य भारत का, तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान की अगर आपको जानकारी दे तो वहाँ पर भी अधिकतम तापमान की स्थिति लगभग ऐसी ही देखने को मिली। तो वहीं देश भर में सबसे ज़्यादा तापमान रायलसीमा के अनंतपुर में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की किस तरीके का रहा न्यूनतम तापमान। तो हिमाचल प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान की लगभग यही स्थिति जो है वो देखने को मिली। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में न्यूनतम तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। बिहार में भी यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा आंका गया है, बिहार में भी ये स्थिति देखने को मिली है। पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। और इसके बाद अब बारी आती है आपको बताने की, वहीं देश भर में सबसे कम तापमान हरियाणा के करनाल में 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं देश के शेष राज्यों के तापमान की स्थिति का। इसके साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। यस। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से, ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर देश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता किस तरीके की और कितनी जो है वो मापी गई है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से, 177 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, जो कि संतोषजनक स्थिति में देखा जा सकता है। पटना की अगर बात करें तो 11 है यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो बिल्कुल नाममात्र है।
बेंगलुरु की अगर बात करें तो 129 है, ये भी संतोषजनक स्थिति में देखा जा सकता है। और अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पुणे की। यहाँ पर है 84 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति, जो कि अच्छी स्थिति में देखी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम है। 93 जो है वो मापी गई है मुंबई की वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति, जो कि काफ़ी अच्छी है। 61 है हैदराबाद की, ये भी अच्छी स्थिति में देखी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो प्रदूषण काफ़ी नीचे जो है वो बैठा हुआ है। 161 है कोलकाता की, संतोषजनक स्थिति में इसको देखा जा सकता है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। और अहमदाबाद की अगर बात करें तो 107 है यहाँ पर, इसको भी संतोषजनक स्थिति में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये हमने आपको जानकारी दी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर कैसी थी वायु की स्थिति। अब बात कर लेते हैं परचन पूर्वानुमान की, देश में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ के मौसम और तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। गुरुवार को यहाँ पर जो है वो मौसम साफ रहेगा, शुक्रवार को बादल छा सकते हैं, शनिवार और रविवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ हो सकती है बरसात। अधिकतम तापमान 24, 21, 18 और 15 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 7 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 9, शनिवार और रविवार को एक जैसे बने रहेंगे न्यूनतम तापमान, यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के देहरादून की। यहाँ पर गुरुवार को जो है वो धूप खिली रहेगी, मौसम साफ रहेगा, शुक्रवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, शनिवार को बिजली की चमक के साथ बरसात हो सकती है, रविवार को एक बार फिर से जो है वो बादल छाएंगे। अधिकतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 37 है, 39 है और 38 डिग्री सेल्सियस शनिवार और रविवार को दर्ज किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस गुरुवार को रह सकता है और आगे जो है वो एक दो डिग्री सेल्सियस बढ़ और घट सकता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अगर बात करें तो गुरुवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर गर्म तेज हवाएं जो है वो, लू जो है वो चल सकती है। रविवार को यहाँ पर धूप काफ़ी तेज रहेगी, अधिकतम तापमान 40, 41 और 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24, 25 और 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकते हैं, यानी कि यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रुख कर रहे हैं तो गर्मी आपको जो है वो सहन करनी पड़ेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी जो है वो मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर धूप जो है वो खिली रहेगी, यानी कि मौसम साफ रहेगा, शुक्रवार और रविवार को यहाँ पर थोड़े बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, न्यूनतम तापमान 21, 22 और 23 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके बाद अब आइए आपको जानकारी देते हैं अगले शहर, यानी कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। तो यहाँ पर गुरुवार को जो है वो बारिश नहीं होगी, शुक्रवार और शनिवार को बादल छाए रह सकते हैं, रविवार को भी यहाँ पर जो है वो थोड़े बादल जो है वो छा सकते हैं। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 40 और 41 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर अधिकतम तापमान जा सकता है, न्यूनतम तापमान 25, 26, 27 और 28 डिग्री सेल्सियस तक आगे आने वाले 4 दिनों में इस तरीके के न्यूनतम तापमान यहाँ रह सकते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर का ये रुख कर लेते हैं। गुरुवार को यहाँ पर बरसात होगी, शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस बिना किसी फेरबदल के, न्यूनतम तापमान 24 और 25 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के, देश भर में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ के मौसम और तापमान का हाल। अब रुक कर लेते हैं हम दक्षिण भारत का। केरल के कोची की अगर बात करें तो आगे आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर थोड़े बादल जो है वो छा सकते हैं, मौसम आपको ठीक ठाक मिल सकता है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान शुरुआत के 3 दिन एक जैसे 28 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 1 डिग्री की कमी हो जाएगी न्यूनतम तापमान में और हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ही आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं तमिलनाडु के चेन्नई का। तो यहाँ पर चारों ही दिन आगे आने वाले रह सकते हैं किस तरीके के मौसम, तो यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 37 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस रहेंगे आगे आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर न्यूनतम तापमान। अभी आप जानकारियाँ ले रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। असम के गुवाहाटी का भाई यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं। आगे आने वाले चारों ही दिन यानी कि गुरुवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर बादल जो है वो छा सकते हैं, अधिकतम तापमान 36, 34 डिग्री सेल्सियस, शनिवार और रविवार को एक जैसा बना रहेगा, यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान पर अगर आप नजर डालें तो चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं 22 डिग्री सेल्सियस के साथ बिना किसी फेरबदल के। तो यहाँ पर भी मौसम आपको ठीक ठाक मिल सकता है अगर आप गुवाहाटी का रुख कर रहे हैं तो। अब राजस्थान के जयपुर की आइए बात कर लेते हैं।
यहाँ पर भी आगे आने वाले चारों दिन थोड़ा मौसम ठीक रह सकता है, यानी कि कह सकते हैं थोड़े बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 39, 38 और 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस, रविवार को हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। तो अगर आप राजस्थान का भी रुख कर रहे हैं तो हमने आपको वहाँ के तापमान और मौसम का हाल बता दिया। अब आइए बात कर लेते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त हमारे खेतों में कई तरह की फसलें जो है वो लगी हुई हैं। कई जगह जो है वो सब्जी फसलें लगी हैं, तो कई जगह हमारे जो है वो दूसरी सब्जियां लगी हुई हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फिलहाल आपने अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं, तो ये रिपोर्ट जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। हिमाचल प्रदेश के किसान गेहूं और सरसों की पकी फसल की कटाई कर लें। उत्तराखंड में किसान मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। यहां के किसान मसूर, गेहूं, जौ और सरसों की पकी फसल की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। पंजाब में इस समय मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। पंजाब में ही भिंडी, लोबिया, खीरा जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई भी की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस समय करेला, लौकी, कद्दू और हल्दी की बुआई भी कर लें। हरियाणा में किसान गेहूं की पकी फसल की कटाई पूरी कर लें। यहाँ पर किसान कपास की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। साथ ही यहां पपीते के पके फलों की तुड़ाई भी कर लें। यहां किसान केले के पौधों की 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन धान को तना छेदक कीट से बचाने के लिए खेत के पास फेरोमोन ट्रैप लगाएं। यहाँ किसान केले और पपीते के पौधों की सप्ताह में एक बार सिंचाई करें। बिहार के किसान मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। असम में किसान बाओ धान, गन्ना और उड़द की बुआई कर लें। यहाँ केले के पौधों का रोपण इस समय किया जा सकता है। वहीं मेघालय के किसान मिर्च, बैंगन और फ्रेंच बीन्स की बुआई जारी रखें। तो अभी आपने जाना कि हमारे देश के कौन कौन से हिस्सों में हमारे किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य अभी अपने खेतों में करने हैं। इसके साथ ही अब आइए बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं हरी मिर्च के बारे में। जी हाँ, इस वक्त हरी मिर्च की बुआई का समय चल रहा है और देश में लगभग हर जगह जो है वो हरी मिर्च की बुआई की जा सकती है। तो बुआई से लेकर फसल लगने तक किस तरीके से आपने रखना है हरी मिर्च का ख्याल, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें।
ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। तो अभी आपने हरी मिर्च की बुआई के संबंध में देखी है विशेष रिपोर्ट। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के मौसम खबर में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, इससे आप सीधे चले जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।